हरिहंदाणं सिद्धाणं नमाय हरियाणं नमो वज्जायानं नमो लोये सर्वसाहुणं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापपराशनो मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवहि मंगलम् जयै जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जयै जगप्रियामहो विरयम् जयै सुयाण प्रभु तेथयराणम पश्चिमो जयै जयै गुरुलोगाणं जयै महापामहावी वंदे महायसं महाभागं महावीरं महामुनि अमरनरनाय मह्यं सर्वारिष्ट प्रणक्षाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञान ते मिरांधाना ज्ञानांजन शलाघया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। के बारे में जो हम विचार विमर्श कर रहे हैं, अब आपको ये बात जरूर समझनी है कि संपूर्ण विश्व के अंदर चौदह राजलोक का इतना बड़ा विशाल संपूर्ण विश्व है और इसमें से ये ऊपर का सात राजलोक जो है, इतना बड़ा सात राजलोक सिर्फ स्वर्ग में देवलोक में गया, ये देवलोक के हिसाब से है और यहाँ सभी देवी देवता बसते हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था है सात राजलोक के अंदर और इतने बड़े देवलोक के अंदर आप ये देखेंगे कि कितने देवी देवता हैं। मनुष्य से असंख्य गुने ज्यादा देवी देवता देवलोक में संसार में रहते हैं और मनुष्य मात्र सिर्फ इतने में ही रहता है। छोटा सा क्षेत्र जो है वो मनुष्य क्षेत्र है और ये बाहर का जो आप देख रहे हो ये तिरछा लोक जो है, अब इस तिरछा लोक के अंदर सिर्फ यहाँ पर पशु पक्षी ही रहते हैं। अब इसके सिवाय नीचे जिसको हमने यहाँ पर अधोलोक नाम दिया है और ये अधोलोक के अंदर सात नरक क्षेत्र है, और सातों नरक क्षेत्र के अंदर यहाँ सिर्फ नारकी जीव ही रहते हैं। इतने बड़े संपूर्ण लोक के अंदर सबके लिए एक सरीखी एक जैसी एक समान व्यवस्था अगर कोई बैठ सकती है
तो वो कौन से बैठेगी। इसलिए संपूर्ण लोक की एक व्यवस्था जो सबको कॉमन रूप से मान्य रहे और सबके लिए चले, अब इसके अंदर किसी ने तो ईश्वर का नाम दे दिया। ईश्वर ही संपूर्ण विश्व की व्यवस्था कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। इतने बड़े पूरे संपूर्ण लोक के अंदर इतनी बड़ी सारी व्यवस्था और एक ही व्यवस्था सबको लागू होनी चाहिए, एक शरीर की एक व्यवस्था समग्र विश्व में लागू हो। अब आप ये सोचेंगे कि ग्रहों की व्यवस्था, तो ग्रह मनुष्य क्षेत्र में यहाँ पर है, ग्रह सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में यहाँ पर इतने छोटे से क्षेत्र में है, और वो भी जो है अपनी तरह से परिभ्रमण करते रहेंगे। अब ग्रह भी जात तो देवता की है, ग्रह जो है उनकी भी जात तो देवता की है, तो इतने सारे संपूर्ण देवलोक के अंदर वहां ये सात राज लोग ऊपर जो है वहां तो ग्रहों का कुछ भी चलन, न तो ग्रह वहां जाते हैं, न ग्रहों का प्रकाश जाता है, न ग्रहों की मान्यता है, कुछ भी वहां नहीं है। लेकिन पूरे देवलोक के अंदर भी सुख दुख की व्यवस्था है, पूरे संपूर्ण सातों राजलोक देव के अंदर अपना अपना सबका पुण्य कम ज्यादा है, रिद्धि सिद्धि कम ज्यादा है। यहाँ देखिए पूरे देवलोक के अंदर स्वर्ग में असंख्य है और वहां भी क्लेश कसाय, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े सब कुछ है, सब कुछ वहां पर भी। जितने कर्म हमारे ऊपर है उतने ही कर्म उनके ऊपर भी, जैसे कर्म हमारे हैं वैसे ही कर्म देवी देवताओं के सबके है, कोई ना नहीं। अब रही बात मनुष्य क्षेत्र, मनुष्यों की संख्या बहुत लिमिटेड है, संख्या आती है लेकिन फिर भी मनुष्यों के अंदर राग द्वेष क्लेश कसाय सुख दुख सब प्रकार की विचित्रता विषमता जो भी कुछ है सब मनुष्यों में चल रही है। अब आप सबको तो ग्रह से कैसे बताएंगे, आप दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में 300 करोड़ मुसलमान तो कोई ग्रह मानते ही नहीं, 250-300 करोड़ क्रिश्चियन लोग हैं वो भी कोई ग्रह आदि की व्यवस्था नहीं मान रहे। अब सिर्फ 150 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं तो उनके लिए कर्म की व्यवस्था यूनैनिमसली एंड यूनिफॉर्मल व्यवस्था अगर दुनिया में सबके लिए एक शरीर के एक समान अगर कोई है तो वो कर्म की व्यवस्था बैठती है, दूसरी कोई व्यवस्था सबके लिए एक समान संभव नहीं है। अब यहाँ जो जितने तिर्यंच गति के पशु पक्षी प्राणी आदि है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौर इंद्रिय सबकी गणना होती तो तिर्यंच गति में ही, सबको तिर्यंच पशु पक्षी के हिसाब से वो बेचारे एक इंद्रिय दो इंद्रिय। आप बैक्टीरिया बोलिए, वायरस बोलिए, जर्म्स बोलिए, वन सेली ऑर्गन टू सेली ऑर्गन अमीबा वगैरह है, अब सब तिर्यंच गति में। इसलिए तिर्यंच गति के अंदर जीवों की संख्या अनंत अनंत है। आप इधर देखिए बोर्ड पर तो इतने सात राज लोक स्वर्ग में कोई पशु पक्षी नहीं है, वहां कोई तिर्यंच नहीं है, वहां देव तिर्यंच गति के जीव नहीं है। इतने बड़े देवलोक में जहाँ देवता है वहां एक चींटी मकोड़ा भी नहीं होता है, एक मक्खी मच्छर नहीं होता है, कोई पेड़ पौधा नहीं होता है, उनको वहां पर फल फूल से मतलब नहीं है, उनको देवताओं को खाना नहीं है, उनका वैकरी आहार है, हमारे जैसे रोटी सब्जी दाल वहां पर है ही नहीं व्यवस्था, तो उनके लिए तो संपूर्ण व्यवस्था ही अलग है, तो क्या जरूर है वहां पर कोई तिर्यंच प्राणी वहां रहेगा ही नहीं, जन्मेगा ही नहीं, होगा ही नहीं वहां पर।
अब आप नीचे आइए तो नीचे सात राजलोक, जितना ऊपर का ये सात राजलोक है उतना ही ये नीचे का भी सात राजलोक सप्तरज्जु प्रमाण है। अब नरक के नारकी जीव ही वहां पर है, वो भी संख्या कितने मनुष्यों से असंख्य गुनी संख्या नारकियों की है, असंख्य गुनी। वहां पर नारकियों के व्यवस्था में वहां कोई फैमिली नहीं होती है, स्वर्ग में देवलोक में कोई फैमिली नहीं होती है, बाप बेटा भाई बहन सास बहू वहां की कोई व्यवस्था ही नहीं, सातों नरक में कोई व्यवस्था नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। अब जहां जो भी हो तो मनुष्यों की उत्पत्ति वहां पर कोई माँ बाप से होती नहीं, और नरक में नारकी जीवों के लिए रोटी सब्जी दाल चावल आदि कुछ भी खाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं सर, वो भी सब वैक्रिय प्राणी है, तो वैक्रिय शरीर है उनका, उनको भी जो है हमारी तरह से खाना पीना नहीं रहता, चल रहा है उनका भी जीवन, जी रहे। अब नरक में जाओ तो केवल दुख ही दुख है, अब इतना दुख वहां पर क्यों? आप ये कहेंगे कि वहां वैसे जो है उस प्रकार के परमाधामी देव हैं, तो क्या परमाधामी देवों को मारने का शौक है क्या? वैसा भी नहीं है। अच्छा, सब जगह पर परमाधामी देव नहीं है, सातवीं नरक में नहीं, छठी में नहीं, पांचवी में नहीं, चौथी में नहीं है, तो फिर वहां तो और ज्यादा दुखी है, इतना दुख नरक में आया कहां से, इतना सुख स्वर्ग में आया कहां से। अब स्वर्ग में भी जाएंगे तो कहां से जाएंगे, यहीं से जाने वाले, या तो मनुष्य भी जाए या निगेंद्र पशु पक्षी भी जाए, स्वर्ग से वापिस आएंगे तो भी यहाँ पर आना है, और मनुष्य त्रियंत्र में से ही जीवों को नरक में भी जाना है, और नरक में से वापिस आएंगे तो भी यहाँ पर ही आने वाले हैं। अब ये जाना आना, जीव जाएंगे जीव आएंगे, ड्यू टू व्हाट रीजन, कारण क्या है? फिर धर्म लो अन्य धर्म वाले कहेंगे ये तो ब्रह्मा जी की इच्छा है सार, उन्होंने तो एक शब्द दे करके सारा दरवाजा बंद कर दिया, ये ऊपर वाले की इच्छा है, ब्रह्मा जी की इच्छा है, बस उनकी जितनी इच्छा उनकी जैसे इच्छा, अब वो अपनी उनकी इच्छा के हिसाब से ही चलेगा, वो एक ही बात स्वीकार करते हैं, इच्छा के सिवाय वो कोई दूसरी बात कहने कोई तैयार नहीं है सर, अब सब कुछ उनकी इच्छा के हिसाब से ही चलेगा, तो फिर तो जगत के अंदर सब अंधेरा ही रहेगा। सोचिए जैन धर्म ने कोई यहाँ पर किसी ईश्वर की इच्छा या किसी की इच्छा के बारे में कोई ऐसा नाम भी नहीं लिया, क्यों? किसी की इच्छा सवाल ही नहीं खड़ा होता है, आखिर जीव अपनी तरह से कौन क्या करता है, अब कौन कैसा करेगा, किस तरह से करेगा, अपने अपने हिसाब से सबका चलता है। अब देखिए भगवान तो मनुष्य क्षेत्र में है, यही होते हैं मनुष्य क्षेत्र वाले भगवान जो है, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके पूरे 14 राज लोक के अंदर सबके लिए एक व्यवस्था जो बैठाई है वो है कर्म की व्यवस्था, एक यूनिफॉर्मल, एक यूनेनिमस जो व्यवस्था दिखाई है। अब सारी दुनिया में समस्त जीवों के लिए मुख्य रूप से चाहिए क्या? तो यहाँ पर आप जाएंगे तो इन सब को देवी देवताओं को सबसे ज्यादा, और यहाँ नारकी जीवों को अकेला दुख चल रहा है सा। तो ये व्यवस्था कौन कर रहा है? इतनी बड़ी व्यवस्था अगर हो रही है तो उनके वहां पर ये कौन कर रहा है, कैसे हो रही है? इतना सुख वहां स्वर्ग में सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, वहां दुख का कोई नाम निशान नहीं है, भले ही वहां पर दुख ना हो लेकिन राग द्वेष तो है, क्लेश कसाय तो है, लड़ाई झगड़े तो है, मारा मारी तो है,
जैसे हमारी धरती पर यहाँ हो रहा है वहां पर भी है। कोई एक दूसरे की देवी का अपहरण करके चला जाता है, कोई किसी देवी को उठा करके भाग के चला जाता है, वहां पर भी है। हमारी धरती पर यहाँ वेश्याएं हैं तो वहां पर भी है। देवलोक के अंदर, देवताओं के अंदर, देवियों में भी वेश्या की व्यवस्था है, वो भी लोग कर रहे हैं। तो वहां से यहाँ आने के बाद उनका भी तो शुभ अशुभ, अच्छा बुरा खराब सब कुछ होता है, सारी व्यवस्था चल रही है। अब इन सब के लिए सबकी बात करिए साथ। अब तिर्यंत पशु पक्षों के लिए ग्रह की व्यवस्था कैसे बैठेगी? मनुष्यों के जन्म होते हैं तो आप जन्म कुंडली बना लोगे, बोलोगे इसका राहु यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है, मंगल यहाँ पर है, इसलिए ये दुखी होगा, ये राजा होगा, ये सुखी होगा, ये अमीर होगा, ये रंक होगा, ये गरीब होगा, ये ऐसा। अब मनुष्यों के लिए जो है ये व्यवस्था बनाई है तो ग्रहों के आधार पर प्रिडिक्शन करके राशि नाम के आधार पर बता देंगे। लेकिन इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों पशु पक्षी है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए वहां पर जो है कर्म की व्यवस्था है कि ग्रह की व्यवस्था है कि ईश्वर की व्यवस्था है? एक कुत्ती ने 7 बच्चे को जन्म दिया, 3 मर गए, 4 जिंदे रहे, 4 बच्चे रहे, अब वो बड़े होंगे, उसमें से एक मर गया, 3 रहे, अब ये व्यवस्था क्या ईश्वर करेगा? एक सांप 100 अंडे रख देता है, एक जो है ये अपनी तरफ से चलने वाले सब प्राणी है संसार के अंदर, अब किसका ऐसा शरीर क्यों बना, किसका ऐसा क्यों बना, लाल चिट्ठी क्यों बनी, काली चिट्ठी क्यों बनी? मच्छर मनुष्य को काट करके ही खून पिएगा, मक्खी जो है मनुष्य को काट करके खून नहीं पिएगी। मक्खी जाकर कहीं पर भी फल फूल से साग से आहार पर बैठकर अपना भोजन कर लेगी, लेकिन भोजन दूसरा बनाया हुआ पड़ा भी होगा तो मच्छर जाके उस पर बैठ के अपना पेट नहीं भरेगा। मच्छर हमारे शरीर पर बैठ करके अपनी सुई जैसी जीभ डाल करके खून चाटेगा सब। अब ये कौन सिखा रहा है? अब ये कौन से ग्रह के कारण हो रहा है? कोई है कि ऐसी व्यवस्था? इतने दिनों तक कई ज्योतिषी जो है कोरोना के बारे में ग्रह की दशा बता रहे, मंगल के कारण और राहु के कारण और ऐसा बता रहे थे, शनि के कारण, और अब जब रहस्य खुल गया 1.5 साल के बाद कि तो ये तो चाइना के वुहान शहर के अंदर लैब के अंदर बनाया गया वायरस है, मैनिपुलेटेड है, और चाइना ने जो है इस तरह से करके एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में दुनिया में डाला है। अब कहां गई बात सब? कारणिकता, हम कारण किसका दे रहे थे और आज कुछ कारण ही किसका निकल। आखिर अपने अपने घर में तो देखिए, एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक बुद्धिशाली होता है और एक मेंटली रिटार्डेड होता है। क्या कारण क्या है? समग्र संसार देखिए, एक बेटा पैदा होता है, एक बेटी होती है, क्यों ऐसा हुआ? जुड़वा भी हो तो एक बेटा होता है, एक बेटी होती है, कभी दोनों भाई भी होते हैं, कभी दोनों बेटियां भी होती है जुड़वा होने पर भी, तो ये कैसा संसार है? आखिर किसकी व्यवस्था है? सबके घर में है। अरे भाई साहब, जेठानी की शादी हुए 10 बरस हो गया, उसको एक भी बच्चा नहीं है। देरानी की शादी हुए अभी 5 बरस थे, उसमें 3 बच्चे हो गए था। अब ये व्यवस्था किसके हाथ में है? जब जेठानी की शादी हुई है उसको 10 बरस हो गए तो उसको एक भी बच्चा नहीं, अब इसका क्या कारण हो सकता है? फिर आप बोलेंगे नहीं, उसके तो राहु जो है अच्छा नहीं है और उसका केतु खराब था और उसके मंगल के कारण ऐसा है। अब ये सारी व्यवस्था हम बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है? ये हमको सोचना तो पड़ेगा कि नहीं। एक सटीक व्यवस्था, सटीक मतलब बिल्कुल कंपलसरी, एक ऐसी सही व्यवस्था जिसके अंदर आपको सबका कारण बरोबर मिल जाए। तो यहाँ अलग अलग जितनी व्यवस्था की है तो जैन दर्शनकार भी अपनी तरह से बता रहे हैं कि आखिर संसार के अंदर जो भी कोई कार्य हो रहा है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कार्य हो रहा है। अब इस कार्य के लिए कारणीभूत निमित्त हम कहाँ कौन सा लाए,
एक कारण जो है इसके अंदर आप किसको देखेंगे? बिना कारण के तो कार्य नहीं होता है, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है। अब संसार का कोई कार्य होता है, अब इस कार्य के लिए कौन सा कारण बैठाना है, किस प्रकार के कारण को हम बैठाएं? तो इन कारणों के अंदर अब एक कारण तो ऐसा भी निकलता है कि लोग कह रहे हैं काल कारणी भूत, दूसरे नंबर पर कह रहे हैं कि स्वभाव कारणी भूत है, यहाँ तीसरे नंबर पर कह रहे हैं कि नियति जो है वो कारणी भूत है। ये नियति जिसको डेस्टिनी कहते हैं, ये डेस्टिनी का काम कर, ये स्वभाव नेचर के रूप में है, ये टाइम फैक्टर इसके साथ जुड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चौथा कारण जो है कर्म का बताया, और एक ये पांचवा कारण जो है प्रबल पुरुषार्थ का भी है। अब कब किससे कौन सा कारण होता है ये आपको कैसे समझ में आएगा? एक माता के गर्भ में एक जीव आता है, वो अपना शरीर बनाता है, वो जन्म लेगा, 9.5 महीने लगेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि माता अगर ज्यादा तकलीफ में है तो क्या माता पहले बालक को जन्म दे सकती है, या बालक को पहले जन्म लेना है तो वो ले सकता है? आपने कहीं सुना है किसी का जन्म 4 महीने हो गया, किसी का 3 महीने हो गया। अब माँ कहती है नहीं मुझे तो नहीं, नहीं मेरे को तकलीफ हो रही, मैं जल्दी जन्म दे दो, तो ऐसा होता है क्या? या कभी बालक अपने आप जन्म ले लेगा क्या, या माँ जन्म देगी? क्या होता है संसार की व्यवस्था में, कैसे होता है? बोलिए किसको बोलना है, कौन उत्तर देगा? प्लीज आप हैंडल करें जिसको भी उत्तर देना है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हो तो रहा है, अब ये पूछो कि भी 9.5 महीने क्यों अनिवार्य है, सबके लिए है। महावीर स्वामी को भी 9.5 महीने लगे थे। हाँ, अब 5-10-20 दिन इधर उधर होगा, ये बात सबके लिए है, संसार की व्यवस्था है। अभी आज वहां पर महाविद्यालय में चले जाओ तो वहां 9.5 महीने होते हैं कि 12-15 महीने होते हैं कि 5 महीने होते हैं? कंटेनमेंट जाए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। प्रणाम दीदी, हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आप आवाज आ रही है मैम? यस यस, खाली दरवाजा बंद है, भरो आवाज तो आ रही है। चलो अब यहाँ पर जो है ये सारी व्यवस्था, पूरे जगत की व्यवस्था, पूरी दुनिया के अंदर की व्यवस्था हमको समझनी है। तो कहाँ किस तरह से जो है आपको ये देखना है, पांचों समवायी कारण है। अब कब इसमें से कौन सा बलवान होता है, कौन सा कमजोर होता है, किसी के परसेंटेज ज्यादा होंगे तो किसी के परसेंटेज कम होंगे, सर बस बाकी कोई सवाल नहीं है। संसार की व्यवस्था तो होगी, कोई भी कारणी कार्यभूत होगा तो टाइम तो उसमें रहेगा ही रहेगा। अब टाइम बलवान है कि नहीं है, प्रबल है कि नहीं है, वो अलग देखना है। बच्चे का जन्म होते ही तो शादी नहीं होती है, 5 साल के बच्चे की शादी नहीं होती है, 10 साल के बच्चे की शादी नहीं होती है, क्यों होती है? 18-20 साल के बाद शादियां क्यों होती है, क्या कारणीभूत निमित्त है उसके अंदर? कोई आपको टाइम ही देखना है कि क्या देखना है? खाली अकेले टाइम से नहीं चलेगा। हाँ साहब, लेकिन टाइम भी एक फैक्टर है। हमारे घर बेटी पैदा हुई है तो हमको सोचना है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल। अब आज के कलयुग में तो लोग 30 साल के बाद सोचेंगे, तो वो एक और भी समस्या है। लेकिन समय काल उसके लिए अपेक्षित है, एक साधन के रूप में है।
तो योग्य समय, सुयोग्य समय, जिस समय पर जो होना चाहिए वो उसी समय होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते 50 साल के अधेड़ को आप स्कूल के अंदर एडमिशन दे, नहीं साहब, वो तो 5 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जा सकता है, 50 साल वाले को स्कूल में कहाँ भेजेंगे आप। तो शादी किस उम्र में होती है? कोई 40 साल में शादी होती है क्या? 35 साल में शादी होती है क्या? कोई 37 साल में शादी होती है क्या? अब जिसका जो काल है उसको नियत काल के साथ जोड़िए। टाइम सबके साथ है, लाइफ स्पान हमारा है ही कितना है। आज की जिंदगी, आज के कलयुग का लाइफ 70, 80, 90 कितना, कौन 100 साल वाला है? अब जिसकी उम्र 70, 80 साल की, वो 40 साल में शादी करेगा तो संसार क्या चलेगा, कैसा रहेगा उसको? वो बेचारा कब शादी करे, कब उसके बच्चे हो, कब बच्चे बड़े हो और कब बच्चों की शादी करे। अब जब बच्चों की शादी करने की नौबत आएगी तो वो बेचारे बुजुर्ग बन करके, 70 बरस के बन करके, वो कहाँ क्या पर, अवे मारू सरे चाल तू नहीं भाई, तू तारे पढ़ने लेने, अवे तू तारे तारा लगन कर ही लेने भाई। अब ऐसी दशा होगी तब आप क्या करेंगे? So time is also one of the factor, no doubt. Time कब important बनता है और कब time important नहीं भी रहता है। Second चीज जो है nature के अंदर, एक nature जो है वो कौन सा है? पूरे world का जो nature है, पूरी दुनिया का nature, वो एक अलग हो गया। और internal हमारा अपना स्वभाव, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ क्लेश कसाय, सबका स्वभाव अलग अलग प्रकार का है। बस स्वभाव ही तो कारण है, सांस बहु का क्यों नहीं बन रहा है? जिसका किसके साथ बनता है कि नहीं बनता है। एक परिवार में घर में है बाप बेटे हैं, लेकिन बाप बेटे होने के लिए भी 4 बेटे में से एक बेटे के साथ तो अच्छा बनता है और एक बेटे के साथ बिल्कुल नहीं बनता है। स्वभाव मिलता ही नहीं है ऐसा। अब करना तो क्या करना सर? 2 भाइयों के बीच में स्वभाव नहीं मिल रहा है, भाई बहन के बीच में स्वभाव नहीं मिल रहा है, बाप बेटे का प्यार बहुत अच्छा है, बेटा बाप से प्यार कर रहा है, बाप बेटे पर प्यार करे, लेकिन सगे भाई के साथ मेल नहीं पड़ रहा है सर। अब ये है क्या कारण, किस कारण से? अब इनका कारण स्वभाव के रूप में सबका, जगत के अंदर सबका अलग अलग। अब आप बोलिए, मनुष्य का ही स्वभाव होता है, कुत्ते का स्वभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। पशु पक्षियों का स्वभाव होता है कि नहीं होता है? होता है। सबका स्वभाव होता है, सब अपने अपने स्वभाव के अधीन है। महावीर ये कह रहे हैं कि पूरे संसार के 14 राजलोक के अंदर एक भी जीव बिना स्वभाव का नहीं है, बिना राग द्वेष का संसार में एक भी जीव नहीं है, बिना क्लेश कसाय का संसार में एक भी जीव नहीं है। महावीर स्वामी को प्रश्न पूछा गया है, भगवान क्या पेड़ पौधे के अंदर भी क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष होता है क्या? आचारांग सूत्र के अंदर ये बात समझाते हुए महावीर कह रहे हैं, हाँ पेड़ पौधों में भी राग द्वेष होता है, पेड़ पौधों में भी क्लेश कसाय क्रोध मान माया लोभ सब होता है। अब वो है ही एक इंद्रिय जाति में, तो एक इंद्रिय की जाति में वो व्यक्त क्या करेगा? हम हमारे अंदर क्रोध है तो हम गाली दे करके बोल कर दूसरे को 2 बार सुना तो सकते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे तो बोलने वाले ही नहीं है, अब नहीं बोलेंगे तो अपने तरीके से वैसा क्रोध कसाई करेंगे। ऊपर तो गुलाब का फूल उग रहा है और नीचे कांटे लग रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। कहीं आप कैक्टस में जाएंगे तो कांटे ही कांटे दिखाएंगे, फूल है ही नहीं वहां पर, सब जगह पर है। महावीर तो केवली है तो उन्होंने अपने केवल ज्ञान के आधार पर संसार का एक भी जीव बिना राग द्वेष का नहीं बताया।
एक भी जीव, कोई भी जीव बिना क्लेश कसाय का उन्होंने नहीं बताया, भाई सबके अंदर है। हाँ ये जरूर है, अब किसमें कम है किसमें ज्यादा है, किसमें कितना कम है किसमें कितना ज्यादा है, तो ये तो रहने ही वाला है, संसार है आखिर। और ऐसे संसार के अंदर जब ये सब के अंदर है तो कम ज्यादा क्यों है, किसने बनाया है, किसका स्वभाव किसने बनाया है, कौन बना रहा है, आप ये तो नहीं कह सकते साहब इसका स्वभाव अच्छा है इसका स्वभाव खराब है। अगर आप अपने तरीके से सबको पूछो, अब आप किसी को भी पूछोगे तो कोई अपना स्वभाव तो खराब बताएगा ही नहीं। गांधी भाई तुम्हारो स्वभाव सारो छे के खराब छे, अब ये कौन बताएगा सर, कौन बोलेगा? सभी कहेंगे मेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है। अपना खुद का तो खराब कहने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। बहू को जाके पूछो तो बोलेगी सासू नो स्वभाव खराब छे, हम सासू ने जैने कहो तो क्या बहू जेवी आवे छे वो शू करोगे। अब इसमें से तो दोनों चक्कर चलता रहेगा, इसमें तो कोई मेल ही नहीं पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये तो सब है, लेकिन तीसरा एक कारण है डेस्टिनी, नियति। अब ये नियति भी बहुत बड़ा फैक्टर है संसार के अंदर। आज अभी पांचवा आरा चल रहा है, अब ये किसके कारण है? ओनली ड्यू टू डेस्टिनी। महाविनय क्षेत्र में आरे होते ही नहीं है, आराओं की व्यवस्था महाविनय क्षेत्र में होती नहीं है। अब इसका कारण किसको बोलेंगे आप? फिर आप बोलेंगे नहीं ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था की है, वहां ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है, ऐसा नहीं है। अब नियति जो जिस प्रकार की जैसी है वैसी है, सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में ही दिन रात की व्यवस्था होती है। अब मनुष्य क्षेत्र के सिवाय पूरे लोक में कहीं पर भी दिन रात की व्यवस्था ही नहीं है। अब उसका कारण क्या है? वैसी भवितव्यता नियति है। क्या बताएंगे कारण? स्वर्ग में कहीं पर भी दिन रात क्यों नहीं होता है? वहां तो इतने देवता बैठे, सब देवता है, वहां व्यवस्था क्यों नहीं है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि सिर्फ मनुष्य क्षेत्र में ही है, वो मनुष्य क्षेत्र में ही व्यवस्था घूमते हैं, उनकी वैसी ही रथों की व्यवस्था है, उसके प्रकाश की किरणें मनुष्य क्षेत्र में ही फैलेगी, यहाँ पर ही धरती पर ही दिन रात होगा। अब पूरे सात राजलोक के ब्रह्मांड में कहीं पर भी न दिन है न रात है। अब इसका कारण ये व्यवस्था कहाँ से आई, ऐसी व्यवस्था कैसे की, अब ये कौन करता है? आप सात राजलोक नीचे नरक में चले जाओ, अधोलोक में कोई दिन रात की व्यवस्था ही नहीं है सर। अब नहीं है तो भाई नरक में तो अंधेरा ही अंधेरा है, नहीं है तो स्वर्ग में भी अंधेरा होना चाहिए, लेकिन स्वर्ग में देवी देवताओं ने मणि रत्न आदि ऐसे लगा के रखे कि उनके प्रकाश में वो जीवन जी रहे, उनके प्रकाश में उनका जीवन चलता है। अब ये सारी जो है नियति की व्यवस्था है, डेस्टिनी की व्यवस्था है। आज यहाँ पर हमारे मनुष्य क्षेत्र में किसी की हाइट 100 फीट 200 फीट क्यों नहीं होती है, और आज महाविदे में चले जाओ तो 500 धनुष की काया वहां पर कॉमन बात है, सबके लिए कॉमन है, कोई भी चले जाओ आज जहां जाकर के वहां जाकर जन्म लोगे तो कंपल्सरी वहां पर 500 धनुष की काया होगी। ये मत सोचिए खाली सिमंदर स्वामी युगमंदर स्वामी की होगी, ऐसा नहीं, इट्स अ कॉमन फॉर ऑल। आज हमारे यहाँ पांचवे आर्य के अंदर 100 बरस का आयुष्य, 100 से भी ज्यादा 120-130 बरस भी 125 बरस भी इस पांचवे कलयुग में हो सकता है, क्या लगे कि नाम नहीं है, हो सकता है। चोरड़िया जी आपको 100 बरस का आयुष्य मिले तो चलेगा? महाराज शरीर स्वस्थ रहे तो। अरे मैंने वो थोड़ी पूछा है, मैंने तो 100 साल का आयुष्य के बारे में पूछा है। हाँ महाराज अच्छा है कि धर्म का काम करने का मौका मिल जाएगा।
चलेगा तो मैं जरा बोलू वहां पर भी, इनको जो है 100 साल रहने देना चोरड़िया जी को। जी भाई, जी महाराज, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर व्यवस्था 100 सवा 100 साल की है, और आज महाविद्य में जाओगे तो वहां 84 लाख पूर्व तक जीवन जीना है। यहाँ के 100 साल में हम कट डाल जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। कांति भाई को पूछो, पहले भी ना कहते, ना 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 मारे 100 वर्ष नहीं जीवू। तुम्हारे पारुल बेन कितना वर्ष जीवू छे? जी जान सुधी धर्म नी आराधना थई शके ने। दूसरा मत बोलो, खाली फिगर बोलो बस, दूसरा मत भी नहीं बोलना, ओनली फिगर। ओके, अबाउट अनदर 20 इयर्स। ओनली 20 इयर्स? यस। अभी आप तो अभी 20 मतलब अभी और 20 इयर्स बस? यस। अच्छा, अभी कितना 50-60 है जी? यस। तो फिर 20 इयर मतलब कितने, 70-80? Yes. अच्छा, तो मैं 100 के लिए बोलूं? No, I think 80 is good. 80 is good, चलो। Yes. अब ये सबकी बात, इच्छा ही अलग अलग है। तुम्हारे चंद्रेश भाई कितना, 100 के सवा 100? 100 चाल से? नहीं सर। नहीं, चलो जाने तो फिर जाने। अब आप, ये मेरे हाथ में है क्या, किसी के हाथ में है क्या? लेकिन हिंदू धर्म में जाओगे तो हिंदू धर्म में वो बोलते हैं कि भाई ये ऊपर वाले के हाथ में। जब ऊपर वाला किसी को जन्म लेने के लिए भेजता है तो उसको स्लिप देता है कि भाई तुमको 100 साल रहना है, तुमको 60 साल रहना है, तुमको 20 साल रहना है, तुमको 25 साल रहना है। अब जिसको जो साल लिख करके दिया और फिर उसमें वो पहले मर जाए तो क्या कहना? फिर आप बोलोगे नहीं, ऊपर वाले ने इतना ही लिखा था। कौन जीव आकर धरती पर कितने टाइम रहेगा? एक कुत्ता कितने साल जिएगा? जितना मनुष्य जीता है उतना कुत्ता 100 साल जी सकता है? एक गाय कितने बरस जिएगी? एक घोड़ा बैल कितने बरस जिएगा? एक बिल्ली कितने बरस जिएगी? आप सबके लिए सोचे, एक मक्खी मच्छर कितने दिन जी सकता है, कितना आयुष्य उसका? तो ये नियति सबके साथ जुड़ी है कर्म के अधीन, कर्म के प्रमाण से जो जीव जितने वर्षों का, जितने काल का आयुष्य बांध के लेकर जाएगा वो इतने वर्षों तक जी सकेगा। लेकिन अगर आयुष्य ऐसा है कि आयुष्य के टूटने के निमित्त पहले भी है तो पहले भी मर सकेगा। फिर आप ये मत बोलना कि नहीं मेरा 100 लिखा था और 50 में कैसे मर गया। अब ये कोरोना के अंदर साल 1.5 साल में कितने चले गए था? तो सबका आयुष्य पूरा हो गया था क्या? ऐसा नहीं है। तो सब क्षेत्र और काल की नियति अलग अलग, किन क्षेत्रों की व्यवस्था कैसी है, महाविद्य के क्षेत्रों की व्यवस्था कैसी है, और भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रों की व्यवस्था कैसी है, और देवलोक की व्यवस्था वहां कैसी है। वहां कोई 100-200 साल के हिसाब से देवलोक में जा ही नहीं सकता, 500-1000 साल के हिसाब से भी देवलोक में नहीं जा सकता, नरक में भी नहीं जा सकते। तो वहां की सारी व्यवस्था जो है ये हमको देखना है। आपको यहां से भी अगर देवलोक में जाना है तो आपको आयुष्य फिर वहां के हिसाब से बांधना पड़ेगा। कोने कोने देवलोक में जाऊं छे? बोलिए चोरड़िया जी, आपको कहाँ जाना है? संबंध दर्शन जी प्राप्त तो देवलोक में जाने पड़े। आपको देवलोक में जाना है तो आपको आयुष्य देवलोक के हिसाब से बांधना पड़ेगा। आप 10 सागरों का बांधेंगे कैसे? आज रोटी खाते हुए बांधेंगे कि रात को सोते हुए बांधेंगे? नहीं, मैंने तो महाराज ये सुना कि संवेददर्शी देवलोक में होता है, जाता है। मैं कहा ना कह रहा हूँ भाई साहब, आप जाना, मैं ना नहीं कह रहा हूँ। आज भी टिकट मिल रही है, लेकिन 10 सागरों का आयुष्य बांधेंगे तो जाकर के देवलोक में आप लेकर जा सकेंगे। अब वो 10 लाख लोग सागरों का यहाँ बांधोगे तो देवगति,
हाँ बिल्कुल महाराज बिल्कुल। तो आप 100-200 बरस का बांधोगे तो वहां तो एंट्री नहीं है। हाँ तो महाराज तो कैसे तो होता है, फिर आपको वापिस कलकत्ता में ही पैदा होना पड़ेगा सर, फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सब अपना अपना निर्णय कर लो, अपने अपने हिसाब से जब आयुष्य बांधेंगे उसको देखना है। आयुष्य बांधते समय किन कारणों से कैसे बांधेंगे वो आपको सोचना है, ये आप समझ लीजिए समझे कर। हाँ वहां पर भी जाना है तो आयुष्य यहाँ से साथ में लेके जाना है। जैन धर्म ने इतनी क्लियर कट व्यवस्था कर दी है और सबका कर्म बता दिया है। आयुष्य कर्म सबका अपने अपने हिसाब से, आप जितना बांधोगे उस हिसाब से और बांध करके लेके भी जाओगे फिर भी उसमें आयुष्य टूटने के कारण बहुत कुछ बन सकते हैं, आयुष्य टूट भी सकता है, कोई ना नहीं है सर। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपने आप का विचार पहले करना पड़ेगा, ये आपको देखना है। अब एक दूसरा कारण आ रहा है, चौथा है कर्म कारणी। ये सब फैक्टर्स आपके साथ, काल भी हो, सब कुछ स्वभाव भी हो, नियति भी हो, सबके होते हुए भी आपका कर्म इंपॉर्टेंट है। भले ही 9.5 महीने लगे और 9.5 महीने के बाद बालक का जन्म हो, लेकिन कर्म उसके उस प्रकार के हैं कि वो मेंटली रिटार्डेड जन्म ले रहा है। माँ को पता चलता है क्या बालक गर्भ में कैसा है कैसा नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड होगा कि कैसा होगा, माँ को पता चलता है क्या? कौन बनाता है गर्भ में शरीर की रचना, कौन कर रहा है? माँ बना रही है कि बाप बना रहे है कि जीव खुद बना रहा है कि कर्म बना रहा है, कौन कर रहा है? माँ को, माँ के हाथ में अगर बाजी होती तो माँ एक बेटी ऐसी बनाती दूसरी बेटी ऐसी बनाती, माँ कर सकती है क्या कभी ऐसा? नहीं, दोनों बेटी को माँ बरोबर 9.5 महीने में जन्म दे रही है, लेकिन एक बेटी अपने कर्म के हिसाब से बहुत अच्छी बुद्धि वाली होशियार बनती है, दूसरी बेटी मेंटली रिटार्डेड बनती है। अब ये किसके कारण है? जब दोनों का ही 9.5 महीने जन्म हुआ है तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक बेटा जो है वो इतना होशियार बना कि सुप्रीम कोर्ट का जज बना है और दूसरा बेटा ऐसा बना है कि वो रास्ते पर खड़ा रह करके 2 पैसा भीख मांग रहा है। एक ही बाप के 2 बेटे, दोनों की एक हालत है। आपको चाहिए तो मैं एड्रेस देता हूँ, आप जाकर के देख लेना, पता चले। आखिर ऐसी परिस्थितियां हो रही है। यहां तक महावीर तो और भी क्लियर कर रहे हैं कि जो ट्विंस होते हैं अगर वो शरीर से जुड़वा भी हो जाए, जुड़े हुए भी हो जाए, एक स्टमक लगे, एक पैर लगे, कि दोनों का एक साथ में लगे, तो भी दोनों के 2 जीव है, दोनों के 2 कर्म है। ऐसे तो कई एग्जांपल आज भी है। एक को पूछा तुमको क्या पसंद है, दोनों का स्टमक एक है, पेट एक है और चेहरे मुंह वगैरह सब अलग अलग है। ऐसे ट्विंस जो 2 जुड़े, एक बोल रहे हैं कि मेरे को आइसक्रीम पसंद है और दूसरी बोलते है मेरे को समोसा ही खाना है। अब दोनों पेट से जुड़े हुए, दोनों का खाया हुआ एक ही पेट में जाने वाला है। ये आज भी संसार के अंदर एबनॉर्मल भी जन्म लेते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। और एक ही माँ के दोनों ट्विन साथ में जन्मते हैं और फिर भी दोनों के कर्म अलग अलग। अब दोनों के ज्योतिष के हिसाब से तो कुंडली एक ही बननी चाहिए, जन्म पत्रिका तो एक ही होनी चाहिए सर, ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, 2 मिनट में दूसरा पैदा हुआ है, दोनों के कर्म अलग है, दोनों के कर्म से कोई स्वभाव अलग है, दोनों का मेल मिलता ही नहीं है सर। ऐसे तो बहुत देखेंगे, सैकड़ों देखेंगे आप। ट्विंस के रूप में जन्म लेने वाले दोनों लड़कियां हैं, अब दोनों की लड़कियों की शादी एक घर में तो नहीं कर सकते आप, कही सके एम छे बे बहनों एक घर में छे, कोई एग्जांपल तुमने याद होए तो मुक लो। नहीं हो सकते। क्यों नहीं होते हैं? क्या तकलीफ है?
यार पहले क्या है क्या मतलब दोनों बहने एक ही घर में रहे तो क्या तकलीफ करे थे दोनों, आपको क्या तकलीफ है? नहीं नहीं मेरे सासू जी और मेरी बड़ी माँ एक ही सगी बहने एक ही घर में हैं। बहुत अच्छा है, चलो भाई फर्स्ट प्राइज आपको देना चाहिए सबने। नहीं नहीं सर उसने मुझे कहाँ से मिलेगा, वो दोनों अच्छे से रहे तो उनको मिलना चाहिए। तो आपको भी, आप भी अपने दोनों आप बेटियों को एक ही घर में भेजना है? जी मेरे वैसे बेटे हैं दोनों। चलो धन्यवाद। अब ऐसी स्थिति के अंदर करेंगे क्या करेंगे सोचिए, ऐसा जनरली कोई क्यों नहीं करता है, जानबूझकर तो कोई गलती नहीं करता है। कांति भी करो छो कोई डरो बन्ने दीकरियों ने एक साथ एक ज घर में मोकलो तो शू वांधो छे, पण साहेब देराणी जेठाणी थसे पछी झगड़ से कई रीते ने जुदा कई रीते पड़से, नहीं ना पाड़े छे। अब ऐसी स्थिति के अंदर सबके कर्म जो जिस प्रकार के जैसे जैसे कर्म है, अब कर्म कितना बलवान हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। अब लास्ट में पांचवा है एफर्ट, इफ योर एफर्ट इज टू मच, आपका पुरुषार्थ प्रबल है तो कभी पुरुषार्थ से कर्म में आप चेंजेस भी ला सकते हो। आप ध्यान दीजिए कर्म के साथ में, इसके साथ में लोगों ने अलग अलग नाम लिए, कोई नसीब बोलता है, कोई भाग्य बोलता है और किसी ने किस्मत नाम दिया है, लोग अलग अलग नाम देते हैं, चलता है क्या? लैंग्वेज अलग अलग, अलग लैंग्वेज में अलग नाम दिए हैं, अलग धर्मों वाले ने अलग नाम दिए हैं, लेकिन उनको भी क्लियर तो यही करना पड़ेगा। अब ये प्रबल पुरुषार्थ जो है वो आपके स्टॉक में अगर कोई शुभ कर्म पड़ा भी है लेकिन आपको पुरुषार्थ किए बिना तो वो भी काम नहीं आएगा। तमे कहो के नाना मारू कर्म हशे तो मारा मोरा मां जे छे दूध पाक पूरी बधु आवी जशे, आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। आपका पुण्य अच्छा है, माँ आपको दूध पाक पूरी बनाकर दे रही है लेकिन बेटे को खाना तो पड़ेगा कि नहीं। अब ये कर्म के संस्कार साथ में आएंगे। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, अब माँ बच्चे को दूध कैसे पीना सिखाती है कि जन्म लेने के बाद बच्चे को तुरंत माँ अपने स्तन से लगाती और बच्चा दूध पीने लगता है, सब कौन सिखाता है? माता जी आपने सिखाया था? जैसे ही आपकी डिलीवरी हो गई, बच्चे जन्म ले लिए, अब आप कितनी देर में, थोड़ी देर में जैसे ही वो हुआ हुआ करेगा, आप माँ जो है बरोबर अपने स्तन से लगा देगी और बच्चा दूध पीना शुरू कर देगी। कौन सिखाता है? कोई भी कौन नहीं सिखाने का यार? छोटे बच्चे को स्कूल में लड़ना झगड़ना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है, स्कूल में कोई सिखाता है? नहीं। वो किसी के साथ फाइटिंग करता है, किसी के साथ लड़ता है, कोई किसी को मारता है, कोई रोता रोता घर आता है, कोई कैसा है, कोई बलवान है, कोई ऐसा है। अब ये सब कौन करने गया, कौन सिखाने गया? जीव कर्म के संस्कार साथ में लेकर आता है कि नहीं आ रहा? अब जन्म के साथ किसी के क्लेश का साय राग द्वेष सब पड़े। एक छोटा सा बच्चा अभी बोलना नहीं सीखा है, अब वो 4-6 महीने का है तो दूध की बोतल फेंकेगा, दूध की बोतल फोड़ देगा, क्या क्या करता है, अपने सब पैर हिलाएगा, सिर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा, सब करेगा। वो अपना क्रोध व्यक्त कर रहा है, कैसा क्रोध व्यक्त करना है करेगा। अब माँ जब अपना दूध पिलाती है तो शक्कर डाल के नहीं पिलाती है, तब बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, जैसा होता है वैसा माँ बच्चा दूध पी लेता है। अब जब अपना दूध माँ छुड़ा करके बाहर का दूध देती है तब शक्कर डाल के देती है, और एक बार दो बार शक्कर डाल के दे दिया उसके बाद में बिना शक्कर का दे के देखो तो सही। फिर क्या करता है देख लो आप, फिर पूरा ग्लास फेंक देगा, नहीं मम्मी मैं नहीं पीऊंगा, आप शक्कर डालोगे तो ही पीऊंगा, ये कहां से आ गया?
बच्चा बड़ा होता है तो सेक्सुअल डिजायर्स कोई सिखाता है उसको? विषय वासना काम संज्ञा कौन सिखाता है? कैसे आ जाती है उसके अंदर, कहां से आ जाती है? वो लेकर आया है, वो सब कर्म के खजाने में बहुत बड़ा स्टॉक लेकर आया, बहुत बड़ा स्टॉक। लेकिन कर्मों में भी चेंजेस है कि नहीं? आप कर्मों के होते हुए भी अगर आपका पुरुषार्थ प्रबल है तो इधर देखिए, अगर कर्म के अंदर लिखा है कि आपकी बुद्धि 20% ही काम करेगी, लेकिन वो 10 घंटे ज्यादा पुरुषार्थ कर ले तो 20% वाली बुद्धि से भी वो दूसरों से ज्यादा पढ़ सकता है। बुद्धि कर्म के अधीन है ना, लेकिन पढ़ने का पुरुषार्थ अगर उसका प्रबल रहे तो अपने 20% की बुद्धि से भी वो मेहनत करके थोड़ा ज्यादा पढ़ करके आगे आगे बढ़ सकता है। फिर आप ये मत बोलना कर्म में नहीं लिखा था, कर्म में नहीं लिखा था, ऐसा मत बोलना। तो ये प्रयत्न हमारा चलता है। फिर आप शादी करनी होती है तब कर्म के ऊपर आधारित रहते हो कि मेहनत करके? माँ बाप बेचारे चिंता करने लग जाता है, बेटी की उम्र हो गई, बेटी की उम्र हो गई, भाई जल्दी शादी करना है, बेटी की उम्र हो गई, क्यों करते हो? फिर वहां पर वो छोड़ दो, उसके कर्म के हिसाब से जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन नहीं, वहां तो हर माँ बाप सोचे कि नाना जल्दी करो भाई, अभी से 2 साल तक ढूंढेंगे तब जाकर के मेल पड़ेगा, 2 जोड़ी बाटा के बूट की घिसेंगे तब जाकर के बेटी की शादी होगी। क्यों ऐसा बोल? फिर छोड़ो ना कर्म पर। तो कहीं ना कहीं जाते हुए आप अपनी तरह से ये समझते हो, यहाँ पर इस नाम से जो व्यवस्था बैठाई गई है, इस व्यवस्था को आप ये देखिए कि इनको जो है यहाँ पर पूरी तरह से कोई कार्य हो रहा है, तो इनको जो नाम दिया है 5 पंच समवायी कारण जो है ये नाम दिया। अब ये ऐसे 5 जो कारण हैं, इन 5ों कारण का ये फिगर जो है पंच, तो ये 5 के लिए है। अब ये शब्द है समवाय। समवाय शब्द का मीनिंग है सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। तो सामूहिक देखना है, सब मिलाना है आपको। कोई कार्य अगर जगत का हो रहा है, कैसा भी कार्य अगर जगत की व्यवस्था में हो रहा है, तो उसके लिए कब ये कारणीभूत है, कब कर्म कारणीभूत है, इधर से काल कारणीभूत बन रहा है, इधर से कौन कारणीभूत बन रहा है, अब सब अलग अलग कारणीभूत बनेंगे। अब काल का रोल कितना रहेगा, स्वभाव का रोल कितना रहेगा, नियति का प्रमाण उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, पूर्वकृत कर्म बलवान बनेगा, तो शायद 50% तो कभी कर्म का क्रोल रहेगा, काल का 10% रहेगा, स्वभाव का 25-30% रहेगा, पुरुषार्थ का 30% रह जाएगा। सबका अलग अलग है। आप ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर फैमिली के पास 10 एकड़ की जमीन है। अब जमीन होने से क्रॉप हो जाएगा क्या? तो उसको बारिश का इंतजार करना पड़ेगा। अब रेनी सीजन आ गई, बहुत अच्छी रेनी सीजन है कि जिसके अंदर खेती होती है, अनाज पकता है, लेकिन अब जो है फार्मर की तबीयत खराब हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया। अब वो पैरालिसिस में उठ नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है। जमीन होते हुए भी, बारिश होते हुए भी, अब क्या होगा? खेती कैसे होगी? 10 एकड़ के अंदर वो गेहूं चना वगैरह बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन अब बारिश हुई और जमीन होते हुए इसको, भाई साहब को, फार्मर को पैरालिसिस हो गया। क्या कारण आया? ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? दूसरा एक फार्मर है,
उसने इनको बुलाया, मैं भी पैरालिसिस में हूँ भाई साहब, तो मैंने लेबर लोगों को बुला करके उनको ही कॉन्ट्रैक्ट करके दे दिया है, भाई हम खेती कर लेंगे, जमीन भले ही मेरी हो, आप लोग मेहनत कर लो, हम दोनों जने आधा आधा 50-50 करके बांट लेंगे। तो लेबर जने है, लेबर दो चार तैयार हो गए, गेहूं डाल दिया और अच्छी तरह से उन्होंने खेती की। और जब आया गेहूं आया साहब 1000 टन गेहूं आया, अब उसमें उन्होंने कहा कि चलो भाई आप 50-50 कर लो, आपने मेहनत की है, आप भी 50% ले जाओ, मैं भी। दूसरा रोता हुआ बैठा रहा तो किसी ने कुछ नहीं किया। एक फैमिली के अंदर बाप की मृत्यु हो गई और चार भाई हैं और इधर जमीन है और बारिश की मौसम आई, अब चारों भाई झगड़ने लग गए, चारों भाई लड़ने झगड़ने लग गए। वो बोलता है मैं क्यों करूं, वो बोलता है मैं क्यों करूं, तो किसकी जमीन है। चार भाई लड़ते रहे, कोर्ट कचहरी में गए और कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने डाला विषय। अब 4 महीने तक जो है लड़ने झगड़ने में भी थे, इधर बारिश भी पूरी हो गई और कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो खेती नहीं हुई, नहीं हुई तो इनके घर में अनाज नहीं आया, अनाज नहीं आया तो अब खाएंगे क्या, सब करेंगे क्या। तो बोले चलो जाओ बाजार में से खरीद लो भाई साहब। उन्होंने अब एक ने जाकर अपने दागिने बेच करके अनाज लाया, दूसरे ने अपने कपड़े बेच कर जमीन अनाज लाया और चारों भाई लड़ते झगड़ते रहे। ऐसी परिस्थितियां हो रही है तो वो क्या कारणीभूत बना उनके बीच में, स्वभाव कारणीभूत बन गया। सोचो पिता ने चारों भाई के लिए सबके लिए जमीन रखी, लेकिन अचानक मृत्यु हो गई तो डिविजन करके बांट नहीं सके। तो चारों भाई मिलकर के अगर खेती करते तो दोनों के चारों के लिए बरोबर पर्याप्त मात्रा में खेती हो सकती, अनाज पक सकता था, किसी को अपने गहने दागिने बेच करके अनाज लाना नहीं पड़ता। तो ये कारणीभूत निमित्त बन रहे हैं, कब किसके लिए कौन, कब किसके लिए कौन सा फैक्टर। अगर पुरुषार्थ आपका प्रबल है तो बिना बारिश के भी बोरवेल करके जमीन में से पानी निकाल करके खेती करके काफी अच्छे प्रमाण में कठोल जो है चना मूंग वगैरह बना लिया। 12 महीने तो कोई बारिश होती नहीं है, होगी तो 2-3 महीने 4 महीने ही होगी, बाद के टाइम में क्या करेंगे आप। तो बोरवेल करके पुरुषार्थ प्रबल किया और प्रबल पुरुषार्थ करके बोरवेल करके जमीन में से पानी निकाल करके और पूरी खेती में पानी पिला करके चना तुअर कठोल उसने काफी बड़े पैमाने पर उसने बना लिया। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमारा हाथ है, ये हाथ देखिए, ये छोटी अंगूठा है, ये बड़ी अंगुली है, इससे बड़ी अंगुली ये है, इससे छोटी है, ये छोटी है। कभी काल आपका छोटे प्रमाण में काम करेगा, कभी स्वभाव आपका कितना काम करेगा, कभी आपके लिए कर्म बड़ा बनेगा तो कभी डेस्टिनी टाइम आपके लिए छोटा बन करके रहेगा। परसेंटेज डेस्टिनी के परसेंटेज 10% ही है, टाइम फैक्टर के परसेंटेज आपने 20% बना लिया, कभी आपने स्वभाव को 30% कर दिया, कभी कर्म को 50% कर दिया, कभी पुरुषार्थ को आपने बदल कर दिया, कभी आपके कर्म जो है 30% रहे तो पुरुषार्थ आपने 50% कर लिया, कभी नियति आपके 10% के बजाय 20% आ गई। सब कुछ होने पर भी आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, ओवर रेन हो गया, सब बारिश के अंदर सब चला गया, बना बनाया तैयार माल जो था वो बह गया सब। अब वो तो आपके हाथ में नहीं है ना, जहां 50% बारिश होनी चाहिए वहां 500% बारिश हो गई, सब बह गया, अब करना क्या। तो ये डेस्टिनी के हाथ में जब चला जाएगा तो आपके हाथ में नहीं है, बारिश कोई हमारे कर्म के हिसाब से नहीं आ रही, सबके लिए अलग अलग हिसाब। तो कब आप डेस्टिनी पर विचार करके उसके परसेंटेज कितने लाओगे और फिर अपने स्वभाव का
या प्रकृति के घर के स्वभाव का। अब आप किसका कितने प्रतिशत लाओगे वो आपको देखना है। आज हमने इस क्लास के अंदर ये पांच संभावित कारण के बारे में सोचा। नाउ द पेपर इज ओपन फॉर डिस्कशन। आपको जिसको प्रश्न करना है टू द पॉइंट टू द सब्जेक्ट करिए। बोलिए सर। हाँ प्लीज रेज योर हैंड एंड आई विल अनाउंस वन बाय वन। फर्स्ट विनोद भाई जय। हाँ महाराज प्रणाम। अभी जैसे बाढ़ आती है और उसमें पूरे सब किसानों की खेती नष्ट हो जाती है, तो उधर जितने भी किसान है जितने भी लोग हैं उनकी नियति के कारण हुआ है? सबका तो देखना ही नहीं है। डेस्टिनी जो है वो नेचर की प्रकृति के घर का नेचर है। आप पब्लिक का पब्लिक के साथ मत जोड़िए किसी को। नहीं लेकिन अगर वहां पे 10 किसान एक छोटे से गांव में 10 किसान की खेती है, 10 किसान लोग की खेती नष्ट हो गई, तो मतलब 10 की 10 आप गांव मत लो, खेती मत लो, 10 किसान मत लो, प्रकृति नेचर भी तो है कि नहीं है। बारिश जो होनी है तो बारिश जो है उस हिसाब से हुई है। तो वहां 10 लोगों के साथ मत जुड़ो, किसी के साथ मत जुड़ो, पूरी प्रकृति का विचार करो। आपने बोला नियति, देखिए आपने बोला नियति के कारण होता है, डेस्टिनी के कारण। कह रहा हूं फ्लड आया, फ्लड के अंदर नियति पब्लिक की नहीं है, काल के क्षेत्र में भी नहीं है, और जिस एरिया का जो क्षेत्र है वहां के हिसाब से जुड़िए साथ। अब चाइना वाले कह रहे हैं कि इस वीक के अंदर इतनी बारिश हो गई कि 1000 साल में नहीं हुई इतनी बारिश हो गई, तो वहां किसको कारण बताएंगे आप? तो होता है, डेस्टिनी अलग ही प्रकार की। अब आप नॉर्थ पोल पर जाओगे, साउथ पोल पर जाओगे, तो वहां की डेस्टिनी अलग ही है कि नहीं? अब ग्लेशियर्स है वहां पर, तो सब ग्लेशियर्स इतने हैं, तो वहां कहां आपका अनाज पकेगा सब? वो क्षेत्र के हिसाब की डेस्टिनी आए, वहां का क्षेत्र वैसा है उस हिसाब से आए। गौतम माया जी। 14 राजलोक के अंदर जो तिरछा लोक के सेंटर में जो गोला बनाया वो साहब जी वही मनुष्य क्षेत्र का बनाया। ढाई ढाई द्वीप स्वरूप जो है टोटल ढाई टोटल मनुष्य क्षेत्र उतना ही। ओके नरेंद्र बोरा बोरा जी वंदना जी। नियति और कर्म में क्या फर्क है, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्म और नियति में व्हाट इज द डिफरेंस? नियति इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कर्म, कर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम नियति। दोनों ही अलग वस्तु है सर। नियति हमारे कंट्रोल में नहीं है, कर्म हमारे खुद के हैं। हमारे खुद के कर्म हमारे उदय में आएंगे। मेरी बुद्धि कम है कि ज्यादा है, मेरी मेमोरी कम है कि ज्यादा है, वो मेरे कर्म के हिसाब से है। वहां नियति काम नहीं कर रही है। लेकिन अभी कहा कि 1000 साल में नहीं हुई इतनी बारिश जो है बिल्कुल चाइना में आ गई, तो वहां डेस्टिनी नियति काम करेगी। मैंने आपको बताया कि महाविद्य में आराओं की व्यवस्था नहीं है, तो ये नियति है वहां की। हमारे भरत क्षेत्र में 6 आरे चलते हैं, उसर्पिणी उसर्पिणी, ये नियति है। उसमें किसी का कारण नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है सर। यानी नियति निश्चित है? हाँ जी नियति निश्चित भी। धन्यवाद। दिनेश भाई मदानी। सर जी आपने कहा कि महाविद्य क्षेत्र में 500 धनुष की काया है, तो 500 धनुष की फिक्स है कि कर्म के हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा कम भी हो सकती है? मतलब मैक्सिमम लिमिट आ गई 500 की। कम हो सकती है मतलब? हाँ, तो थोड़ी अब किसी के 450 है कि किसी के 400 है। आप यहाँ पर देखिए पुरुषों के 6 फीट है, तो महिलाएं कई बार 4.5 फुट होती है, 5 फुट होती है। अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर तो चलता ही है। ये जो फिगर आ रहे हैं वो मैक्सिमम के फिगर आपको बताए जा रहे हैं। और दूसरा प्रश्न था साहब जी, आप बताए कि देवलोक का आयुष्य, तो ये सागरोपम का आयुष्य कैसे तप से बनता है? जब भी बांधोगे तब, कब से की बात नहीं, हमेशा ही है। आप जब बांधना शुरू करोगे, आज बांधना है तो आज आपको देवलोक में जाना है, तो उस हिसाब से सागरोपम का बांधना पड़ेगा। भावना मोदी जी।
सर साहिब जी आई वांटेड टू आस्क आयुष्य टूट भी सकता है दैट पार्ट आई नॉट अंडरस्टूड आई थॉट कि आयुष्य कर्म जो बांधा है उसके हिसाब से वो फिक्स रहता है तो ये जो कोविड का सिचुएशन जब ये आपने बताया कि आयुष्य टूट गया तो दैट पार्ट आई हैव नॉट अंडरस्टूड अरे आयुष्य जो है जो भी बांध करके लेके आते उसका नियम ये है कि आयुष्य बढ़ता नहीं है घट सकता है टूट सकता है आज के काल का सबका सोपक्रम कर्म का आयुष्य है तो उसके लिए अशातवेदनीय कर्म कारणीभूत आएगा कोविड जो आया तो कोविड अशातवेदनीय कर्म का आया तो वेदनीय कर्म जाके आयुष को धक्का लगा के तोड़ सकता है आपे किधु के देवलोक मा आई वांटेड टू क्लैरिफाई सम थिंग्स देयर देवलोक मा यू हैड मेंशन्ड देयर आर नो ट्रीज नो फ्लावर्स एंड नो फूड एंड नो तिरियंज एक्सेट्रा नो पशु पक्षी बट दे हैव आर्मीज राइट इंद्र भगवान हैज अ लार्ज आर्मी एंड दीज आर्मीज हैव हाथी घोड़ा एक्सेट्रा फॉर देयर आर्मीज सो Can you please explain that, Saib ji? Due to the Vaikriya karma, due to the Vaikriya Pudgal Parmanu, they can made it immediately. With that figure, with that shape, if they want the elephant, they can create the elephant immediately within a fraction of time. Just like you will feel as a miracle, you see. Whenever they are doing this type of, because they are doing only the shape and size of that animal. But there are not, animals are not taking birth and death there, you see. Okay. In Devlok, nothing at all. Devlok, the destiny of, you can say the destiny of the heaven. There is no trees, there is no water, there is nothing. So, वहाँ पर उनको जरूरी नहीं है. They doesn't require anything. Because in the heavenly details, they have no food of the roti, chapati and milk and any other thing. There is no requirement of there. આચાર્ય મહારાજ ને પૂછી આવતો આપણે કીધું આયુષ્ય દેવલોક નું બાંધવું હતું આટલું કરવું પડે આવી રીતના કરવું પડે એ કેવી રીતના પોતે બાંધે જયારે બાંધવું હોય તમે હમણાં શું કીધું કેટલું બાકી છે કેવી દેખાવ પહેલો પ્રશ્ન એ હતો હવે તમારે જે બાંધવું હોય દેવલોક નું એ હું તમને લખાવીશ આ કરો આટલું કરો આવું કરો તો તમે દેવલોક નું આયુષ્ય બાંધી શકશો જયારે તમારે બાંધવું હોય ત્યારે મને કહેજો હમણાં સમજાવો ને હમણાં નહીં હમણાં આયુષ્ય નો સબ્જેક્ટ આવશે ત્યારની વાત છે आयुष्य ये मैंने आपको एक कर्म के बारे में आउटलाइन दे रहा हूँ पूरी रूपरेखा समझा रहा हूँ कर्म की थ्योरी समझने में अब कर्म के साथ ऑल अदर फैक्टर जो है वो मैंने आज आपको समझाया अभी आगे आगे चलेंगे तब जब कर्म की डिटेल आएगी तो उसमें आयुष्य कर्म आएगा तब आपको आयुष्य कर्म समझाऊ अनिता बेन चौधरी मच्छेन वंदा में साहब जी पुरुषार्थ करने पर भी अकल फल की प्राप्ति आवाज नहीं आ रही है साहब जी ये आ रही आ रही है पुरुषार्थ करने पर भी अगर फल की प्राप्ति नहीं है तो हम किसे कहेंगे दोष किसको देंगे कर्म को या कर्म को एक सवाल और है साहब जी महाविद्या क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान देशना दे रहे हैं क्या वो तीर्थंकर बनेंगे अगर बन भी गए तो उनके बाद में कोई वापस आएगा जो वापस तीर्थंकर बनेंगे जैसे भरत क्षेत्र में होता है महाविधि क्षेत्र में अभी सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं देशना कब देंगे केवल ज्ञान प्राप्त होने पर ही देते हैं तो तीर्थंकर बनने के बाद ही उनकी देशना चलती है और वो देशना उनकी चलेगी 1,00,000 पूर्व तक हाँ तो भी बहुत लंबा टाइम है चलती रहेगी और जैसे ही सिमंदर स्वामी का निर्वाण हो जाएगा मोक्ष में चले जाएंगे तब दूसरे तीर्थंकर वापिस देशना चालू करेंगे वो भी देते रहेंगे तो महाविदे में अभी आपको जाना है कभी है इच्छा जाने की इच्छा तो है जब भी आप जाओ तो आज ही लिख करके ले लो
कि वहां पर आपको देशना के बिना का एक भी दिन खाली नहीं मिलेगा, रेगुलर हमेशा ही आपको देशना सुनने का चांस मिलता ही रहेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू। बाला साहब, मेरा दो सवाल है। आपने जो कहा ना तीर्था लोक में मनुष्य रहते हैं, तो उसमें आप पांच ऐरावत, महाविदेह और ये सब गिन के राइट, और ढाई द्वीप का। हाँ जी। और जो आयुष्य के बारे में मुझे सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि किनको कोरोना के लिए मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो उनका इतना आयुष्य लिखा नहीं होता, क्योंकि कोरोना तो काफी लोगों को नहीं लगता है, तो उसकी आयुष्य इतनी लिखी होगी कि इसी तरह ये मौत आएगी, ऐसे नहीं है? मैंने आपको ये बताया कि आयुष्य तो जो चलता है वो लंबा उसके पास लिख करके लाए, मतलब है उसके पास। अब ये आयुष्य आपका मैं लिख रहा हूँ 100 साल का। अब यहाँ पर किसी को 50 में कोरोना हो गया और आयुष्य पूरा हो रहा है, तो ये 100 का टूट करके रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा, तो 50 के टाइम पर आपका ये 100 पूरा हो करके यहाँ आपको जो मरना है उस समय मरेंगे सर, तो आयुष्य पूरा हो जाएगा। तो आयुष्य तो टूटता है, आयुष्य में रिडक्शन होता है, आयुष्य घटता है, आयुष्य बढ़ता नहीं है। और यहाँ पर कोरोना ये आयुष्य के कारण नहीं हुआ है, कोरोना अशाता वेदनी आया है। अब इस समय जिस तरह से किसी को भी हो, अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी डेवलप है तो आपको कोरोना की इफेक्ट नहीं होगी। तो ये पूर्व जन्म में लेके नहीं आता है आयुष्य कर्म? आयुष्य लेकर आया है, 100 साल का लेकर आया, पूर्व जन्म से ही लेकर के आया। अच्छा। जब भी जीव कोई भी आएगा, अब इस जीव को यहाँ पर आकर के जन्म लेना है और 100 बरस जीना है। अब ये जीव जो है यहाँ से आ रहा है, अब ये माता के गर्भ में प्रवेश किया, उसी समय ये अपना आयुष्य 100 बरस का पूर्व से साथ में लेकर के आया। अब लेकर आया है और उस हिसाब से इसने यहाँ पर ये जन्म लिया। अब जन्म लेकर के वो जीवन जी रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का उसके पास है। लेकिन अब कोरोना की इफेक्ट आई, अशाता वेद्य के असर हुई, दूसरे किसी कारण से यहाँ पर आकर के अब उसके आयुष्य को तोड़ा जा रहा है, तो क्या करेंगे? ये आयुष्य 100 का यहाँ पर आकर के खेल खत्म हो जाएगा। तो यह असाता वेद्य कर्म का कारण है। हाँ, ये दूसरा कर्म बीच में आया। अभी कितने कर्म आएंगे, कैसे कैसे कर्म आएंगे, कितने कर्मों की सब डिविजनल ब्रांचेस कितनी होगी, ये हमको एक साल भर तक स्टडी करना है। अभी तो आज हमारी कौन सी 5वीं 6वीं कौन सी क्लास है, जस्ट आई एम गिविंग यू ओनली द इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। अभी कर्म थ्योरी चालू हो जाएगी, अब उसके बाद वन बाय वन एक एक कर्म हम स्टडी करेंगे, सब कर्मों का बारे में आपको सबको समझ में आएगा। लेकिन एक बार कर्म की बात पहले दिमाग में बैठनी तो चाहिए कि नहीं? ओके। पद्माबेन पारेख, मथिन वंदामी गुरुदेव। ये कहते हैं कि महाविदेह जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो पुंडरिक वन में जाते हैं, तो वो तो मेरु पर्वत में, वो भी तो कहाँ आता है मेरु पर्वत में? बहुत दिनों से मन में शंका की कहाँ पे मेरु पर्वत है और कहाँ पे पुंडरिक वन पे, और नंदन वन में सब देव लोग वहां क्रीड़ा करने जाते हैं, सब बहुत सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताने की कृपा कीजिए गुरुदेव। ये है मेरु पर्वत और यहाँ पर है पांडुक वन, यहाँ पर है। अब मेरु पर्वत की हाइट जो है वो 1,00,000 योजन है, और यहाँ पर भगवान को लेकर जाना है, और यहाँ से अब भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी जन्मे हैं, तो इंद्र आएंगे भगवान को लेकर के यहाँ जाएंगे। अभी सिमंदर स्वामी महाविदेह में वही जन्मते हैं, तो उनको भी वहां से इंद्र महाराज यहीं पर लाएंगे। आपको जाना है? यस।
पांडु पद पर जाना है आपको, देखने जाना है? अनम्यूट। हाँ, देखने जाना तो एक, इतना सुना है वर्णन तो देखने की इच्छा तो होगी, मगर तो देखने कर्म। एक काम करिए, अभी आप यहाँ से इंद्र नाम कर्म बांधिए, इंद्र का नाम कर्म बांध के आयुष्य लेकर के आप देवलोक में जाके जन्मिए, और जब भी यहाँ वापिस भगवान का जन्म होगा तब आप वहां पर आएंगे इंद्र महाराज लेकर के, तो 64 इंद्रों में आप भी आ जाना, अभिषेक कर लेना भगवान को, सब देख लेंगे आप। अब दोनों बात है, और या अभी यहाँ पर देखना है तो मैं डायग्राम के अंदर आपको दिखा दूंगा। अब ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का है, अब जैन कॉस्मोलॉजी, अभी हम चल रहे हैं कर्म थ्योरी के विषय में। आपने पूछ लिया तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर जरा दिखा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जवाहरलाल चोरड़िया जी। हाँ महाराज साहब, मेरा ये प्रश्न महाराज साहब कि सात रज्जु में देवलोक है, सात रज्जु में आपके नारकी है, तो महाराज फिर बीच का जो है वो मध्य लोक कितना बड़ा है महाराज? अब वो मध्य लोक का क्षेत्र जो है वो बीच में है, जब सात राज लोक ये हो गया और सात राज लोक जो है स्वर्ग बन गया, तो यहां से ये सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर लाइन आप यहां से समझिए, और ये ऊपर से देवलोक का ये सात राज लोग है, ये सात राज लोग। अब बीच में कितना है? 900 योजन ऊपर, 900 योजन नीचे। यस। तो ये इतना सा एरिया जो है ये है, आपको 1800 योजन का मिलेगा ऊपर नीचे, तो ये हाँ इसका ही पोर्शन है दोनों का, तो सेंटर लाइन तो है ही, आप देख रहे हो। अब ये भी कॉस्मोलॉजी का विषय है, तो यहाँ पर आपने देखा कि 900 योजन नीचे, 900 योजन नीचे, अब इसी 900 योजन ऊपर के भाग में सब मेरु ग्रह नक्षत्र सब आ जाते हैं, जी महाराज, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब, इसलिए वो यहाँ घूमते हैं तो उनका प्रकाश इसी धरती पर पड़ेगा, जी महाराज। ये जो है क्षेत्र है, ये व्यवस्था, अब ये डेस्टिनी है और ये परमानेंट सिस्टम है, सात राज लोक का ये ऊपर का स्वर्ग, अब ये भी परमानेंट है, और स्वर्ग में तो कोई अर्थक्वेक से भूकंप से कोई मतलब नहीं, मतलब और ये सात राज लोक का नरक क्षेत्र है, तो वहां पर भी कोई भूकंप नहीं होता है, कोई धरती कम नहीं, कोई ज्वालामुखी नहीं फटता है, कुछ नहीं, परमानेंट। जी महाराज, तो महाराज तक है परमानेंट है, तो वहां तो कोई उत्पाद में मतलब नष्ट करना, बनाना, उत्पन्न करना कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अब ये मनुष्य क्षेत्र है तो ये भी परमानेंट है, ये इतना ही है तो इतना मेजरमेंट भी इसका परमानेंट है, देयर विल बी नो चेंज इन मेजरमेंट आल्सो। हां महाराज, ये दूसरा सवाल है कि महाराज की 500 धनुष का कितनी बड़ी होती है महाराज? 500 धनुष का जो 2000 फीट की हाइट हो जाती है, 2000 फीट की हाइट, हां ठीक है, बहुत बड़ी हाइट हो जाती है, वहां पब्लिक इतने बड़े पैमाने पर है। ठीक है महाराज, ठीक है। कुणाल भाई जैन। कुणाल भाई जैन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। दीपाली बेन। गुरुदेव, आपने कहा कि देव देवलोक में देव भी कर्म बांधते हैं और नरक में नारकी भी कर्म बांधते हैं? हाँ, सब बांधेंगे, रोज बांधना है, संसार का एक भी जीव बिना कर्म बांधे नहीं रहता है, इट्स अ कॉमन बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल, जब है सभी कर्म वाले हैं तो कंपलसरी उनको कर्म बांधना ही पड़ेगा। ओके, सो उनको भी राग द्वेष सब कुछ हमारी तरह ही, एक एक जीव को, मैंने अभी क्या बोला, प्लांट्स को भी है, तो सबको राग द्वेष क्लेश रसाए सबके है, कोई कर्म बांधेंगे, बिना राग द्वेष के कर्म भी नहीं बनेंगे।
ओके जस्ट वन मोर वेरी क्विक क्वेश्चन गुरुदेव, आपने कहा कि सूर्य जो है वो देवता की कैटेगरी में आते हैं, तो सूर्य देव मतलब सूर्य का आयुष्य कितना है फिर? वो देव अगर उसका भी आयुष्य है, मैं आपको बताऊंगा आयुष्य का, आने दो मैं लिख कर। कुणाल भाई, आशा, प्रणाम साहिब जी, आवाज आ रही है? Yes, yes. साहब जी, हम आपने बताया कि पूरी सिस्टम अपनी कर्म पे चल रही है, तो फिर ये पांच समवय कर्म उसका एक ही पार्ट है कि पूरी पांच समवय से सिस्टम है? पांचों समवय फैक्टर्स है, किसके टाइम में किसके लाइफ में कौन एक्स्ट्रा काम, किसका परसेंटेज ज्यादा होता है किसका परसेंटेज कम होता है, लेकिन पांचों का कारण बना रहता है। अब आपका कर्म अगर 50% काम कर रहा है तो दूसरे 50% के अंदर दूसरे चार आ गए। अच्छा, तो अपनी पूरी जो सिस्टम है ये पांच समय से चलती है? हाँ जी, ये रहेंगे, सब रहते हैं, किस समय कौन ज्यादा काम, ये पांच अंगुलियां है तो छोटी बड़ी है कि नहीं है, अभी छोटी बड़ी है तो इसमें से ये भी काम करेगी ये भी काम करेगी, कब ये करेगी कब ये करेगी करेगी साहब जी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ये समवय पे इफेक्ट करते एक दूसरे का उनका रहता है? हाँ आएंगे, ये भी आएंगे, अभी उसके स्टडी द्रव्य क्षेत्र काल के भी स्टडी हम करेंगे। अच्छा, और आयुष, आयुष्य सब लोग पहले आयुष्य मत पढ़ो, आयुष्य की बात, आयुष्य के बारे में भी एक महीने तक स्टडी करने वाले आज ही। अच्छा, सब पहले आयुष्य की चिंता मत करो। दर्शना बेन, जयंत भाई शाह, हाँ मच्छर वंदामी, अपने गुरुजी क्वेश्चन ही हतो कि अपने जीवन में कर्म पर ज वधारे बधु डिपेंड छे ने, बीजो बधु तो चेंज थया करे पर कर्म फिक्स ज रहे ने अपना होई। माजी कर्म पण चेंज थया करे, अनादिकाल ना होई अपने भोगवा तो पड़े ज ने, जरूरी नथी, पुरुषार्थ थी कर्मो मां पण चेंजेस थाय छे। अच्छा, ले सूत भाव मां आवी सकाय? हां, आगळ समझो शिक्षो त्यारे खबर पड़शे, તમે ભણેલા જ છો ને? એટલે થોડું કર્મ નું વાંચી આપણે, જેમ તમે જેમ બધા વ્યાખ્યાન ને બધું સાંભળતા હોય એના પ્રમાણે, કે કર્મ આપણા જીવનમાં ઘણો ભાગ ભજવે છે અનાદિકાળના. હવે થોડું આગળ વધારે શીખજો, હા આજે તમે જોડાયા છો ને તો થોડા રેગ્યુલર બરોબર અભ્યાસ કરજો એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. ના, આગળના લેક્ચર કર્યા છે ગુરુજી આપના, ખુબ ધન્યવાદ. હવે આગળ પૂરી એક વર્ષ તક ની સિરીઝ પૂરી કરજો એમ કઉ છું. केवल ज्ञान साथ में होता है कि बाद में होता है? कोई किसी के साथ में केवल ज्ञान जाता नहीं है, खुद होकर पुरुषार्थ करके चारों गाती कर्म का क्षय करेंगे तभी केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं जाता है। सिमंदर स्वामी के लिए एक्स्ट्रा रूल नहीं है साहब, उनके उनको भी अपना कर्म क्षय करके उपार्जन करना पड़ता है। नहीं, उन्होंने इधर केवल ज्ञान पाके फिर गए थे ना महावीर क्षेत्र, महावीर क्षेत्र में वो जाते में जन्मे, वो भी बड़े हुए, उन्होंने भी दीक्षा ली, कर्म क्षय की साधना 1000 बरस तक की, तब जाकर उनके गाती कर्म क्षय हुए, तब केवल ज्ञान। गौतम भाई बाया, साहब जी महाविद्य क्षेत्र के अलावा मनुष्य लोक में सभी जगह आरक्षित व्यवस्था है? महाविद्य में है, आरा की व्यवस्था नहीं है, और सभी जगह नहीं, आरा की व्यवस्था सिर्फ भरत और ऐरावत, 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्रों में ही 6 आरों की व्यवस्था है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। अच्छा, तो अभी ओके लास्ट क्वेश्चन इज दक्षा बेन परीख, वेयर इज शी, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। मतलब मैम साहब जी,
સિમંદર સ્વામી જયારે નિર્વાણ થાય એના પહેલા ત્યાં આગળ તીર્થંકર ભગવાન જન્મ થઈ જ ગયો હોય ને, અને કેવળ જ્ઞાન બાકી હોય. કેવળ જ્ઞાન થશે એમના જન્મ વગેરે તો બધું પહેલેથી હોય ને, 84 લાખ પૂર્વ નું આયુષ્ય છે. એટલે સિમંદર સ્વામી ના નિર્વાણ તમે બીજા તીર્થંકર ને કેવળ જ્ઞાન થશે એટલે બીજા દિવસે દેશ ના આપવામાં. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોયે સર્વ સાગુણમ, એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાપ પ્રણાશનો, મંગલાણમ ચ સર્વેસિં પરમં ભવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભો, મંગલમ સોલિ ભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચતારિ મંગલમ, હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહુ મંગલમ, કેવલી પન્નતોદમો મંગલમ. ચતારિ લોગોત્તમ, હરિહંતા લોગોત્તમ, સિદ્ધા લોગોત્તમ, સાહુ લોગોત્તમ, કેવલી પન્નતોદમો લોગોત્તમ. ચતારિ શરણમ ભવજ્જામિ, હરિહંતે શરણમ ભવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ ભવજ્જામિ, સાહુ શરણમ ભવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ ભવજ્જામિ. સર્વ મંગલ મંગલ્યમ, સર્વ કલ્યાણ કારણમ, પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ, જયનમ જયતિ શાસનમ. ધર્મલાભ.